गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी लोग कोशिका भित्त तथा कोशिका कला के कार्य पढ़ेंगे। एक ही चित्र कोशिका का दिया गया है, बाहर की तरफ कोशिका भित्त है, उसके जस्ट नीचे कोशिका कला प्रेजेंट। कोशिका भित्त के कार्य, इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शन यहाँ पे हमने बताए हैं। कोशिका भित्त कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोशिका की सुरक्षा करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हिंदी में सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं बैक्टीरिया शैवाल इटिस। ओके, यह अल्प पराशरी, नीचे देखें लिखा, यह अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को फटने से बचाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्प पराशरी विलयन के बारे में। कोशिका कला के कार, कोशिका कला का दूसरा नाम कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य कला। यह कोशिका को निश्चित आकृत व नहीं दिखाई दे रहा, आप देखिए, यह कोशिका को निश्चित आकृत व आकार प्रदान करती है। कोशिका कला तथा कोशिका भित्त का सेम काम होता है। अगला है कि चयनित पदार्थों का आवागमन नियमित करती है। चयनित पदार्थ मतलब सेलेक्टिव सबस्टेंस। ओके, अमीबा जैसे एक कोशिकीय प्राणी, दिख रहा है, एक कोशिकीय प्राणी आप पढ़ चुके हैं, में खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण व बहिक्षेपण में सहायक होती है। इंडोसाइटोसिस एंड एक्जोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका बाहरी वातावरण में प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स और अदर सबस्टेंस को क्या करती है, इनगल्फ करती है। ओके, एक्जोसाइटोसिस में कोशिका बाहरी वातावरण को रिलीज करती है सबस्टेंस लाइक वेजाइकल्स। ओके, विलेन में विलेय प्लस विलाय प्रेजेंट होते हैं। परासरण दाब के आधार पर विलेन तीन प्रकार का होता है, संपरासरी, अल्पराशरी, अतिपरासरी। इंग्लिश में संपरासरी को कहते हैं आइसोटोनिक, अल्पराशरी को हाइपोटोनिक, अतिपरासरी को हाइपरटोनिक। ठीक, आइसो मतलब होता सेम, हाइपो मतलब एक चीज अधिक दूसरी कम, अतिपरासरी में बाहरी वातावरण में जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होगी, अधिक होगी। ओके, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। थैंक यू क्लास।